हेलो दोस्तों गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून और आपकी क्लास शुरू हो गई जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को गुड आफ्टरनून और आज हम पचास क्वेश्चंस की मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करने वाले हैं कला के तो जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए मेरी आवाज़ आप लोग के पास आ रही है और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे सभी लोग और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और सभी लोग प्लीज़ क्लास को शेयर कर देंगे और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ जल्दी से जुड़ जाइए आपकी क्लास शुरू हो गई है गुड आफ्टरनून सुनील कुमार जी और आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ एक बार बता दीजिए मेरी आवाज़ आप लोगों के पास आ रही है तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को समय पर मिलती रहे तो आइए शुरू करते हैं आज हम पचास क्वेश्चन कर लेंगे आज हम पचास क्वेश्चन को करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बताइए तो फिरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में, में, में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं बताइए फिरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लिया जाता है बताइए कहाँ पर जयपुर मुगल वशौली या पटना में सुनीता गुप्ता गुड आफ्टरनून यस आर्टिस्ट गुड आफ्टरनून आपको भी और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है इसका आंसर आपको बताना है तो फिर का शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लिया जाता है उसको कहा जाता है पटना कलम फोर्थ ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से एक ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है बताइए किसने किस कलाकार ने मूर्ति कला के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है बताइए उसका नाम तो वे हमारे है कौन टर्नर मातिस मोने या कौन की बताइए जल्दी से आंसर इसका बहुत बढ़िया सुनीता गुप्ता बबीता रानी यस आर्टिस्ट सुनील कुमार पहले का डी आंसर आप दोनों आप लोगों का सही है और दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइए किस चित्रकला जिस किस है? चित्रकार ने मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है तो इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए तो वे हमारे हैं मातिस साहब सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तो मातिस ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अवनींद्र टैगोर को सामान्यता किससे संबंधित माना जाता है बताइए दूसरे का डी बताइए अवनींद्र टैगोर को सामान्यता किससे संबंधित माना जाता है बताइए इसका आंसर तो अवनींद्र टैगोर को सामान्यता भारतीय कला का पुनर्जागरण माना जाता है थर्ड का फोर्थ ऑप्शन आपका सही है भागेश्वरी गुड आफ्टरनून बताइए अवरी टैगोर को सामान्यता किससे संबंधित माना जाता है तो उनको भारतीय कला का पुनर्जागरण माना जाता है थर्ड का फोर्थ ऑप्शन आपका यहां पर सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखते हैं चौदह नंबर क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए धनवाद का जन्म जाना माना प्रवर्तक बताइए घनवाद का जाना माना प्रवर्तक कौन सा है बताइए तो घनवाद का जाना माना प्रवर्तक है ब्रॉक साहब फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है शशिपाल प्रमाण नमस्कार आपको शशिपाल तो घनवाद का जाना माना प्रवर्तक ब्रॉक है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है फोर्थ का पहला ऑप्शन आपका सही है और पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बताइए वह चित्रकार कौन था जिसने भारत में तैल रंगों को व्यवहार में लाया बताइए ब्राक बिल्कुल सही आंसर है आप सभी ने सही आंसर दिया सुनील कुमार राजकुमार सुनीता गुप्ता यस, शशि प्रियंका बताइए उस चित्रकार का आपको नाम बताना है जिसने भारत में तैल रंगों को व्यवहार में लाया था तो तैल रंगों को जो व्यवहार में लाया तो वो सभी को पता राजा रवि वर्मा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है पाँच का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बताइए कंपनी शैली का विकास काल है बताइए कंपनी शैली का विकास काल है तो कंपनी शैली का विकास काल आपका है उन्नीसवीं सदी थर्ड ऑप्शन आपका सही है नाइनटीन सेंचुरी इस समय कंपनी शैली का विकास हुआ था भारत में तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा छठे का थर्ड ऑप्शन आपका सही है राजा रवि वर्मा बहुत बढ़िया आंसर भाग्यश्री अगला क्वेश्चन देखते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है सार्थक रूप की अवधारणा धारणा से जुड़ा विचारक है बताइए छठे का सी सही ऑप्शन है किरण यादव आपका सही आंसर है छठे का सी बताने वाले सभी लोग सही हैं यस आपका भी सही है शशि आपका भी सही है सुनील आपका भी सही है बबीता आपका भी सही है सार्थक रूप की अवधारणा से जुड़ा विचारक है बताइए कौन तो वह है हमारे क्लाइव तो वेल फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वेल साहब हैं ये सार्थक रूप की अवधारणा से जुड़े विचारक हैं तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सेवन का फोर्थ ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं एर्थ नंबर क्वेश्चन आठवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइए विलियम ब्लैक एक प्रसिद्ध हैं बताइए क्या किसमें चित्रकार के रूप में मूर्तिकार के रूप में अभिनेता के रूप में छायाकार के रूप में बताइए तो विलियम ब्लैक प्रसिद्ध हैं अपने चित्रकार के रूप में आठवें का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और सेवन का डी ब्रह्मा सुनीता सुनील आप सभी का आंसर सही बबीता आपका भी सही आंसर है तो विलियम ब्लैक एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं आठवें का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है धनराज भगत कहाँ के छात्र थे बताइए धनराज भगत कहाँ के छात्र थे तो नाइन नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है तो धनराज भगत ये आपके लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई किया करते थे तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा धनराज भगत ये लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट्स के छात्र थे सेकंड ऑप्शन आपका सही है दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बताइए दस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कौन से देश में पोस्टर सदैव एक के में माने जाते हैं बताइए दसवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है पूछ रहा है कौन से देश में पोस्टर सदैव एक रचनांश के रूप में माने जाते हैं बताइए उस देश का नाम तो दस का सही आंसर जल्दी से बता दीजिए तो दस का सही आंसर जाएगा आपका फ्रांस देश में जहाँ पर पोस्टर सदैव रचनांश के रूप में माने जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा लाहौर बिल्कुल सही आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है बताइए नीचे एक पिकासो ऑप्शन लिखा हुआ है पिकासो कर लीजिएगा चौथा ऑप्शन क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने ऑपेरा प्रदर्शनों के लिए पोस्टर डिजाइन किए बताइए ओपेरा प्रदर्शनों के लिए पोस्टर किसने डिजाइन किए थे बताइए तो 11 जल्दी से आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा दस का फर्स्ट बताने वाले सभी लोग सही हैं और ग्यारह जल्दी से आंसर बता ग्यारह से बिल्कुल सही आंसर लोत्रेक थे इन्होंने ओपेरा प्रदर्शनों के लिए पोस्टर डिजाइन किए थे ग्यारह का थर्ड ऑप्शन आपका सही है राजकुमार आपने सही आंसर बताया यस आपका भी सही है किरण यादव आपका भी सही है और बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं बताइए निम्न में से भविष्यवादी चित्रकार कौन है बताइए निम्न में से भविष्यवादी चित्रकार कौन है बारह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपको भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताना है बताइए तो भविष्यवादी जो चित्रकार हैं वे हमारे हैं कार्लो कारा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तो निम्न से भविष्यवादी चित्रकार है तो वो हमारे कार्लो कारा फोर्थ ऑप्शन आपका सही है बारह का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है तेरह नंबर क्वेश्चन बताइए अमूर्त अभिव्यंजनीवादी चित्रकार हैं बताइए कौन अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं तो अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार वे हैं डॉक्ट डे कुनिंग ये हमारे अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं डे कुनिंग फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है तेरा का पहला ऑप्शन आपका सही है चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है तो फोर्टीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्या कह रहा है चौदह नंबर क्वेश्चन है कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना किसने की चौदह नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है पूछ रहा है कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना किसने की तो चौदह का सही आंसर आ जाएगा आपका थर्ड के साथ प्रदोष दास गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना की थी प्रदोष दास गुप्ता ने थर्ड ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे ते रहे हैं तेरह का ए वाले सभी लोग सही हैं किरण यादव किरण आप दोनों का ही सही है सुनील आपका भी सही है भाग्यश्री आपका भी सही है और चौदह का सी बिल्कुल सही आंसर है प्रदोष दास गुप्ता ने स्थापना की थी कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप की और पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं बताइए राष्ट्रीय ललित अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए बताइए इसका आंसर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो पंद्रह का सही आंसर आपको बताना है तो पंद्रह का थर्ड ऑप्शन आपका सही जगह देवी प्रसाद राय चौधरी ये थे राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष पंद्रह का सी ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं सोलह नंबर क्वेश्चन द वॉल ऑफ मून किसने चित्रित की है बताइए द वॉल ऑफ मून किसने चित्रित की है सोलह नंबर का आंसर आपको बताना है द वॉल ऑफ मून किसने चित्रित की है सोलह नंबर का आंसर आपको बताना है जल्दी से बता दीजिए और पंद्रह का जिन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है वह सभी लोग सही हैं सोलह के जल्दी से आंसर बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा दाल दा ऑफ मून जिसने चित किया वे हमारे जॉन मीरो ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं सत्रह नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर बताइए भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा बताइए क्वेश्चन आपसे कह रहा है भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा इसको थोड़ा छोटी स्क्रीन कर देते हैं आप देख लीजिए क्वेश्चन बताइए भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा तो सत्रह जल्द आंसर बता दीजिए तो इसका लिखा था मारी नेती ने तो मारी नेती ने लिखा था भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र सत्रह का सी ऑप्शन आपका सही है स्नेहा आर्य गुड आफ्टरनून और सोलह का सी सुनील कुमार आपका सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखते हैं अट्ठारह नंबर क्वेश्चन बताइए कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने अठारह नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है पूछ रहा है कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने तो वो किया था विलियम मोरिस ने फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा विलियम मोरिस ने कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किया था तो अट्ठारह का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मोहरिस साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत में प्रथम कला विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया तो भारत में प्रथम कला विद्यालय जहाँ पर स्थापित किया गया था उस शहर का नाम था आपका मद्रास थर्ड ऑप्शन आपका सही है तो जहाँ पर भारत में प्रथम कला विद्यालय स्थापित किया गया था वो आपका मद्रास शहर थर्ड ऑप्शन आपका सही है उन्नीस का सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं बीस नंबर क्वेश्चन बताइए इसका आंसर उस प्रसिद्ध चित्रकार को आपकी पहचान करनी है जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था बताइए इसका आंसर आपको बताना है बताइए ये थोड़ा जूम कर दिया है अब आप बताइए आपको बताना है उस प्रसिद्ध चित्रकार को जिसने नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था बताइए तो वे जाएंगे आपके सेकंड ऑप्शन मोदी गिल यानी ये हमेशा नारी आकृतियों में लंबी गर्दन का चित्रांकन किया करते थे तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बीस का सेकंड ऑप्शन सही है इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बताइए हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया तो ये तो सभी को पता होगा तो इसका सही आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंदलाल बोस ने चित्रित किया था हरिपुरा में जो अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके बैनर बनाए थे नंदलाल बोस ने तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही है इक्कीस का फोर्थ बाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बाईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे आपकी स्क्रीन पर है शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू सेंट नामक भित्ति चित्र किसकी रचना है बताइए शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू सेंट नामक भित्ति चित्र किसकी रचना है इसका जल्दी से आंसर बताना आपको है तो बाईस का जाएगा सेकंड ऑप्शन विनोद बिहारी मुखर्जी ने मीडिएवल हिंदू संत नामक भित्ति चित्र की रचना की है शांति निकेतन में तो बाईस का सेकंड ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं तेईस नंबर क्वेश्चन किसने कहा कि कला अंता प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है बताइए किसने कहा कि कला अंता प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है आपको इसका आंसर बताना है बताइए बहुत बढ़िया प्रभात यादव गुड आफ्टरनून तो तेईस का सही आंसर जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन क्रोचे ने कहा है तो क्रोचे ने क्या स्टेटमेंट दी इन्होंने कहा है कला अंत प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं चौबीस नंबर क्वेश्चन बताइए इसका आंसर चौबीस नंबर क्वेश्चन का भारतीय मूर्ति कला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती है बताइए भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती हैं क्या किन्नर गंधर मिथुन या दविक पाल बताइए चौबीस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए चौबीस नंबर का क्वेश्चन का आंसर तो चौबीस का फोर्थ ऑप्शन सही दविक पाल के नाम से जानी जाती हैं संरक्षक आकृतियाँ भारतीय मूर्तिकला में फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है चौबीस का फोर्थ ऑप्शन आपका सही है कंचन दुबे गुड आफ्टरनून और पच्चीस का सी बिल्कुल सही आंसर है किरण यादव यस आपका भी सही है चौबीस का डी प्रभात आपका भी सही है चौबीस का डी बताने वाले सभी लोग सही हैं और सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं पच्चीस नंबर क्वेश्चन बताइए अर्थुना मंदिर समूह कहाँ स्थित है बताइए अर्थुना मंदिर समूह कहाँ स्थित है पच्चीस का आंसर आपको बताना है यह मंदिर आपका किस शहर में स्थित है चौबीस का डी बताने वाले सभी लोग सही हैं पच्चीस का जल्दी से आंसर बता दीजिए तो पच्चीस का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उदयपुर संभाग में यह समूह मंदिर स्थित है अर्थुना मंदिर समूह आपका उदयपुर संभाग में स्थित है सी ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं छब्बीस नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है थोड़ा बड़ा है बताइए और पच्चीस का सी इसने आ रहा है आपका सही आंसर प्रभात आपका भी सही है राजकुमार आपका भी सही है शोभा मिश्रा आपका भी सही है भाग शरीर डी नहीं होगा पच्चीस का सी आंसर सही है उदयपुर संभाग में अगला क्वेश्चन है लंदन ओलंपिक के लिए कौन से शिल्पकार ने ऑर्सेलर मित्तल ऑर्बिट की रचना की बताइए छब्बीस नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है तो लंदन ओलंपिक के लिए किस शिल्पकार ने ऑर्सेलर मित्तल ऑर्बिट की रचना की थी वे थे हमारे अनिश कपूर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अनिल कपूर के साथ फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है छब्बीस का फर्स्ट ऑप्शन सही है सुनील कुमार आपका सही आंसर है सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बताइए एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं बताइए एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं तो सत्ताईस दिल्ली से आंसर बता दीजिए तो उसको हम रेखा कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है तो एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को हम रेखा कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है तो एक गतिशेल बिंदु के अंतहीन प्रयोग को हम रेखा कहते हैं सत्ताईस का ए ऑप्शन आपका सही है किरण यादव शोभा ने आपका तीनों का सही आंसर है प्रियंका आपका भी सही आंसर है अगला क्वेश्चन है बताइए गत्यात्मकता की अवधारणा मुख्यतः किस कला आंदोलन की है बताइए प्रभात यादव बिल्कुल सही आंसर है शोभा मिश्रा स्नेर्य आपका भी सही है सुनील कुमार आपका भी सही है सुनीता और बबीता रानी आप दोनों का सही है विजेता यादव आपका भी सही आंसर बताइए गति आत्मकता की अवधारणा मुख्यता किस कला आंदोलन की है अट्ठाइस नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है तो अट्ठाईस का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भविष्यवाद की यह अवधारणा है तो गत्यात्मकता की अवधारणा आपकी विशेषकर भविष्यवाद की है तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अट्ठाईस का फोर्थ अगला क्वेश्चन देखते हैं उनतीस नंबर क्वेश्चन भविष्यवाद का विकास किस देश से हुआ बताइए उनतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना भविष्यवाद का जन्म किस देश से हुआ तो सभी को पता होगा तो जो हमारा इटली देश है यहाँ से भविष्यवाद का विकास हुआ था इटली देश से तो उनतीस का सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखते हैं तीस नंबर क्वेश्चन बताइए बताइए तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका स्टेटमेंट ये है विरेचन कला क्या कह रहा है विरेचन कला के माध्यम माध्यम से भाव की व्यक्ति है कारण आ रहा है क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भाव को ताज़ा करती है बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कंपनी पेंटिंग जो आपकी होती है कला के माध्यम से भाव की व्यक्ति है कारण आर कह रहा है क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भाव को ताज़ा करती हैं तो तीस का सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ हो जाएगा ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं तो तीस का फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है इकतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये भी आपका थोड़ा स्टेटमेंट है कंपनी चित्रकारी यूरोपीय तथा भारतीय विशेषताओं का संश्लेषण है कारण आर कह रहा है क्योंकि कंपनी चित्रकारी यूरोपीय संरक्षणों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा थी बताइए इसका सही से आंसर क्या होगा इकतीस नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट ए है आपका कि कंपनी चित्रकारी यूरोपीय तथा भारतीय विशेषताओं का संश्लेषण है कारण आर कह रहा है क्योंकि कंपनी चित्रकारी यूरोपीय संरक्षणों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा थी तो इकतीस का ही आंसर जाएगा आपका इकतीस का सही आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा तो इकतीस जल्दी से आंसर बता दीजिए स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए क्या हो जाएगा स्टेटमेंट इसका तो इकतीस का आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए सत्य है और आर आंशिक असत्य है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए सत्य और आर आंशिक सत्य है अगला क्वेश्चन देखते हैं बत्तीस नंबर क्वेश्चन बताइए फ्रायड का मत था कि काम शक्ति ही कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारण है कारण क्योंकि वे मनोविश्लेषक थे और उन्हें यह खोज की समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम शक्ति काम करती है तो ये आपका शायद सी डी पी का है इसको छोड़ देते हैं बताइए अगला क्वेश्चन है तैतीस नंबर क्वेश्चन है अभिव्यंजनावादी शैली तो थी आपकी जिसमें प्रारूपों का विरूपण होता है कारण आर कह रहा है क्योंकि इसमें कलाकारों को वस्तुगत वस्तु यथार्थ के बदले आत्मगत मनोभाव अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होती है बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो तैतीस का फोर्थ ऑप्शन आप आपका सही हो जाएगा ए और आर दोनों ही आपके सही हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बताइए चौथे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इसका आंसर आपको बताना है बताइए। चित्रकारों को उनकी वरिष्ठता क्रम के अनुसार चयन कीजिए चित्रकारों को उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार आपको चयन करना है जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए चौतीस नंबर क्वेश्चन का तो चौंतीस का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एन एस बेंद्रे के, के हैबर और एफ एस सुजा और हिम्मत शाह ये आपका सही क्रम है चित्रकारों का वरिष्ठता के आधार पर तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एन एस बेंद्रे के हैवर एम एफ सुजा और हिम्मत शाह ये आपका सही क्रम है चित्रकारों की वरिष्ठता का और पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बताइए पैंतीस नंबर क्वेश्चन है कह रहा है खजुराहो के निम्नलिखित मंदिरों का सही काल क्रम आपको बताना है बताइए क्रम क्या हो जाएगा पच्चीस पैंतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर खजुराहो में जो आपके मंदिर स्थित हैं उनका सही से आपको क्रम लगाना है टाइम पीरियड के अनुसार बताइए पैंतीस का आंसर जल्दी से बता दीजिए और चौंतीस का डी वाले सभी लोग सही हैं चौंतीस का सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है चौंतीस का सी वाले सभी लोग सही हैं और पैंतीस जल्दी से आंसर बताइए पैंतीस का जल्दी से आंसर बताइए खजुराहो में मंदिरों का सही क्रम आपको लगाना है तो खजुराहो का जो सही मंदिरों क्रम है वो आपका चौसठ योगिनी मंदिर है पाशनाथ मंदिर लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर ये सही क्रम है सी ऑप्शन आपका सही है पैंतीस का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है पैंतीस का सी ऑप्शन आपका सही है चौंसठ जोगनी मंदिर बना था पहले फिर पार्श्वनाथ फिर लक्ष्मण मंदिर फिर कन्दरिया महादेव मंदिर ये सही क्रम है आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीस नंबर क्वेश्चन बताइए चित्रकारों को वर्षता अनुसार क्रमबद्ध आपको करना है बताइए पैंतीस का सी ऑप्शन आपका सही था प्रभात यादव आपका सही आंसर है बताइए चित्रकारों को वरिष्ठता क्रम के अनुसार आपको चुनना है तो चित्रकारों को जो वरिष्ठता के अनुसार हुए आपके सबसे पहला आंसर है क्लोद मोर् जॉर्ज रूआ फ्रांज लेंजे और मार्क शागल ये सही क्रम है आपका चित्रकारों को वरिष्ठता के क्रम पर तो फर्स्ट ऑप्शन आपका छत्तीस का पहला ऑप्शन आपका सही है सुनील कुमार प्रियंका आपका सही आंसर है अगला क्वेश्चन है छत्तीस का ए बिल्कुल सही आंसर सुने आ रहा सैंतीस नंबर क्वेश्चन है बताइए आरोही क्रम में सही कालक्रम के अनुसार चुनिए कलाकारों को बताइए आरोही क्रम में सही काल क्रम के अनुसार आपको चुनना है बताइए तो सैंतीस का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्रोचे फ्रायड हेगेल और बाम गर्ल्टन ये आपका आरोही क्रम में कलाकारों का सही क्रम है तो क्रोचे फ्रायड हीगेल और बाम गर्ल्टन ये आरोही क्रम में सही काल क्रम है चित्रकारों का तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है सैंतीस का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं अड़तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित चित्रकारों को वर्षता क्रम में आपको चुनना है बताइए तो ये अड़तीस का क्वेश्चन इसमें एक कलाकार आपका गलत दिया हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया था आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था यहाँ पे ऑप्शन आपके गलत हैं इसलिए इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था आंसर की में स्टार लगा हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था और डिलीट कर दिया था आयोग ने और इस पर कॉमन नंबर दिए थे तो अड़तीस नंबर को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं उनतालीस नंबर क्वेश्चन बताइए उनतालीस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आपको महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम लगाना है बताइए जो आपके महाबलीपुरम के मंदिर हैं उनका सही से क्रम लगाना है पूर्व से पश्चिम की ओर बताइए महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम आपको चुनना है बताइए सही क्रम लगाइए उनतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर महावलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर आपको सही क्रम लगाना है महावलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर आपको सही क्रम लगाना है बताइए तो उनतालीस का डी ऑप्शन आया है प्रभात यादव बिल्कुल सही आंसर यश आपका भी सही है किरण यादव आपका भी सही है श्रेण आर्य उनतालीस का ए नहीं होगा डी सही आंसर है द्रौपदी रथ अर्जुन रथ रथ और युधिष्ठिर रथ ये आपका सही काम है पूर्व से पश्चिम की ओर महाबलीपुरम के मंदिरों में तो फोर्थ ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखते हैं चालीस नंबर क्वेश्चन बताइए थोड़ा बड़ा है किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है बताइए इसका आंसर थोड़ा जूम कर देते हैं आप देख लें बताइए बताइए इसका आंसर किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है किसने कहा था ये बताइए किसके अनुसार यह स्टेटमेंट है चालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएंगे एस के लैंगर का यह स्टेटमेंट इन्होंने कहा था सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है तो यहाँ पर चालीस का फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं इकतालीस नंबर क्वेश्चन बताइए फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया बताइए इसका आंसर फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया चालीस का डी जिन्होंने बताया उनका सही, सही आंसर राज आपका सही आंसर है विजेता आपका भी सही यस आपका भी सही है शोभा आपका भी सही है सुनीता शिवनाथ आपका भी सही है किरण आपका भी सही आंसर है बताइए फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया इकतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है बताइए फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया इकतालीस का बी आंसर है मार्क्स तो बिल्कुल सही आंसर है इकतालीस का सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं बयालीस नंबर क्वेश्चन बताइए वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो कहलाता है बताइए क्या बयालीस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इसका आंसर आपको बताना है वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो उसको क्या कहते हैं दीक्षा राजपूत गुड आफ्टरनून वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो कहलाती है क्या तो वो कहलाती है आपकी अंतराल थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बयालीस का थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो उसको हम अंतराल कहते हैं थर्ड ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं बताइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वर्ण को चित्र भूमि पर क्रम अनुसार लगाकर भी एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है क्या कहलाता है बताइए वर्ण को चित्र भूमि पर क्रमशः अनुसार लगाकर भी एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सुनील कुमार प्रभात यादव आप दोनों का सही आंसर तैंतालीस चालीस आंसर बता दीजिए सभी लोग वर्ण को चित्र भूमि पर क्रमशः अनुसार लगाकर भी एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं अनुक्रम फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अनुक्रम कहलाता है बिल्कुल सही यहाँ से दीक्षा राजपूत अगला क्वेश्चन देखते हैं बताइए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है किसने और कब आज के घर क्यों भिन्न है क्यों आकर्षक हैं शीर्षक की पॉप कोलाज कोलाजकृति बनाई बताइए और तैतालीस का ए सही है और राजकुमार जो आप बता रहे हैं बयालीस का ए होगा बयालीस का सी सही है अंतराल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर किसने और कब कहा किसने और कब आज के घर क्यों भिन्न क्यों आकर्षक है शीर्षक की पॉप कोलाज कोलाजकृतियाँ बनाई बताइए तो चौवालिस का सही आंसर जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हेमिल्टन और 1956 में तो 43 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं चवालीस नंबर क्वेश्चन बताइए शताइना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी के द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य कितने स्तरों का उल्लेख किया है बताइए पैंतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको है शताइना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया है बताइए इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से बता दीजिए तो पैंतालीस का सही आंसर जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन तीन बताए हैं सौंदर्य के तीन स्तर बताए हैं द सेंस ऑफ ब्यूटी नामक बुक जो है जो संतायन ने लिखी है थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है बिल्कुल सही आंसर राजकुमार पैंतालीस का ए आंसर नहीं होगा स्नेहा जी सी सही आंसर है अगला क्वेश्चन है बताइए थोड़ा बड़ा है इसको उठा देते हैं आप देख लीजिए बताइए इसका आंसर भविष्य की कला घनिष्ठ वस्तु निरपेक्ष व घनिष्ठ यथार्थवाद के बीच दुलाएमान रहेगी उक्त कथन किसका है बताइए आपको यह स्टेटमेंट बताना है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है जो स्टेटमेंट आपको कह रहा है यह है भविष्य की कला घनिष्ठ वस्तु निरपेक्षता व घनिष्ठ यथार्थवाद के बीच दुलायमान रहेगी यह स्टेटमेंट आपको बताना है किसने दिया है तो छियालीस जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा तो छियालीस का आंसर जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कौन सकी ने यह स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कहा है कि भविष्य की कला घनिष्ठ वस्तु निरपेक्षता व घनिष्ठ यथार्थवाद के बीच मान रहेगी यह इनका स्टेटमेंट था कौन से की का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है छियालीस का पहला ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं सैंतालीस नंबर क्वेश्चन थोड़ा ये भी बड़ा है बताइए इसका आंसर अठारह की प्रसिद्ध फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था की अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में से करीब कितने चित्र वापस लिए गए थे बताइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये बताइए अठारह के प्रसिद्ध फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था की अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में से करीब कितने चित्र वापस लिए गए थे आपको चित्रों की संख्या बतानी है तो सैंतालीस का जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा तो सैंतालीस सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 600 से अधिक चित्र वापस कर लिए गए थे इस प्रदर्शनी में अठारह में जो प्रदर्शनी हुई थी फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था की ने या चित्रकारों की प्रदर्शनी हुई थी जिसमें उन्होंने 600 से अधिक चित्रों को अस्वीकार कर दिया था तो वह उसका सही आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन सैंतालीस का अगला क्वेश्चन देखते हैं अड़तालीस नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है बताइए मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक का आपको नाम बताना है अड़तालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है बताइए मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है छियालीस का ए सभी लोगों का सही आंसर है अड़तालीस दिलीस से आंसर बता दीजिए मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है और सैंतालीस का भी शिवनाथ आपका सही आंसर यश आपका, आपका भी सही है किरण आपका भी सुषमा आपका भी सही है छः सौ से अधिक बिल्कुल सही सुषमा सिंह आपने लिखा है बिल्कुल सही आंसर सुषमा छः बिल्कुल सही अड़तालीस का आया आंसर है अड़तालीस का सी आंसर है दीक्षा जी बता रहे हैं तो अड़तालीस का भी सही है रस्किन जॉन रस्किन थे या मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक जॉन रस्किन की है सेकेंड ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन है उनचास नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है बताइए ये भी बड़ा है बताइए किस मंदिर की देवी को आकड़न किस मंदिर की देवी को आकड़ निमित्त नेत्र की उपमा मछली की आंखों से की गई है बताइए इसका आंसर किस मंदिर की देवी को आकड़ निमित्त नेत्र की उपमा मछली की आंखों से की गई है बताइए उस मंदिर का नाम तो जल्दी से बता दीजिए उस मंदिर का नाम तो जिस मंदिर में देवी की आकड़ निमित्त नेत्र की उपमा मछली से मछली की आंखों से की गई है वह मंदिर आपका है कौन सा तो वो मंदिर आपका है मीनाक्षी मंदिर सेकंड ऑप्शन आपका सही है जी यस आपका सही आंसर है मीनाक्षी मंदिर में देवी की आकरण निर्मित नेत्र की फुमा मछली की आंखों से की गई है उनचास का भी आंसर सही है मीनाक्षी मंदिर अगला क्वेश्चन देखते हैं पचास नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है बताइए अंतर जगत और बाहर जगत के सामंजस्य की बात किसने की है बताइए किस कलाकार ने अंतर जगत और बाहर जगत के सामंजस्य की बात की है आपको बताना उसका आंसर मीनाक्षी टेम्पल बिल्कुल सही आंसर सुनील कुमार वंदना आपका भी सही है बताइए पचास नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए अंतर जगत और बाहर जगत के सामंजस्य की बात किसने की है तो वो की है आपके काउंट ने थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात की है तो कांट सामने थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं बताइए इसका आंसर बताइए इसका आंसर इक्यावन नंबर का आंसर किस मंदिर को त्रिलोक के दीपक कहा जाता है बताइए त्रिलोक के दीपक किस मंदिर को कहा जाता है इक्यावन जल्दी से आंसर बता दीजिए जी सुषमा आपका सही आंसर है इक्यावन जल्दी से आंसर बता दीजिए इक्यावन का बी आया है दीक्षा रात पूज का बता रहे खजुराहो मंदिर को कहा जाता है त्रिलोक के दीपक मंदिर पचास का सी आया पचास का सी पचास का सी सभी लोग सही इक्यावन जल्दी से आंसर बता दी इक्यावन का बी खजराहो टेम्पल सभी बता रहे हैं प्रभात यादव ने इक्यावन का डी बताया है सबसे अलग इनका आंसर है बाकी सभी का खजराहो है दीपा पांडे ने डी बताया है और किसने डी बताया है सुषमा सिंह ने डी बताया शोभा मिश्रा ने डी बताया है तो डी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे रक रणकपुर मंदिर को कहा जाता है सॉरी रणकपुर मंदिर को कहा जाता है त्रिलोक दीपक तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है इक्यावन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा जिन्होंने डी ऑप्शन बताया है उनका सही आंसर रणकपुर मंदिर को तो के दीपक कहा जाता है इक्यावन का फोर्थ ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन है बावन नंबर क्वेश्चन बताइए इसका आंसर रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार के हैं बताइए बावन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार के हैं त्रेपन से आंसर बावन का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा तो रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र जिस प्रकार के हैं वे हैं आपके के के हैवर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है जी प्रभात बिल्कुल सही बताया आपने अगला क्वेश्चन त्रेपन नंबर क्वेश्चन रिपब्लिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है बताइए जी प्रभात सही है बताइए रिपब्लिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया तो रिपब्लिक ग्रंथ जो लिखा गया वो लिखा गया फ्राइड के द्वारा फोर्थ ऑप्शन आप आपका सही है त्रेपन का फोर्थ ऑप्शन आप आपका सही है फ्राइड के द्वारा अगला क्वेश्चन है चौवन नंबर क्वेश्चन बताइए चौवन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है शकुंतला के प्रेम पत्र एवं संदेश वाहक हंस किस चित्रकार की कृतियां हैं बताइए चौवन का आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा और त्रेपन का सेकंड ऑप्शन सही था बताइए शकुंतला के प्रेम पत्र एवं संदेश भाग हंस किस चित्रकार की कृतियाँ हैं तो चौवन का डी राजा रवि वर्मा बिल्कुल सही आंसर अगला क्वेश्चन है पचपन नंबर क्वेश्चन बताइए डीपी राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव पड़ा बताइए डीपी राज चौधरी के मूर्ति शिल्प पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव पड़ा था तो जिस कलाकार का प्रभाव पड़ा था यूरोपीय कलाकार वे थे आपके रौंदा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन है छप्पन नंबर क्वेश्चन बताइए कोणार्क के सूर्य मंदिर की सूर्य प्रतिमा किसने तैयार करवाई थी तो छप्पन का सही आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन सदाशिव ने तैयार करवाई थी तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की सूर्य प्रतिमा जिसने तैयार करवाई थी वे थे आपके सदाशिव थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा छप्पन का थर्ड ऑप्शन आपका सही है सत्तावन नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बताइए इसका आंसर एस बेंदर ने अपना प्रसिद्ध चित्र घुमक्कड़ कब और कहाँ प्रदर्शित किया बताइए सत्तावन नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है एन एस बेंदे ने अपना प्रसिद्ध चित्र घुमक्कड़ कब और कहाँ प्रदर्शित किया तो सत्तावन से आंसर बता दीजिए तो सत्तावन का फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है उन्नीस में बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में इन्होंने अपना घुमक्कर चित्र प्रदर्शित किया था एन एस बेंद्रे ने फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है सत्तावन का ए वाले सभी लोग सही है सी ऑप्शन नहीं होगा अट्ठावन नंबर क्वेश्चन है बताइए क्वेश्चन आपका कह रहा है आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तीन चित्र बनाए बताइए किस चित्रकार ने आपातकाल के समय यानी इमरजेंसी के समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी उनके चित्र तीन चित्र किसने बनाए इंदिरा गांधी के तीन चित्र इमरजेंसी में किसने बनाए थे बताइए उसका नाम अट्ठावन नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो वह थे आपके हुसैन बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने हुसैन साहब बताया है उनका सही आंसर हुसैन साहब ने इमरजेंसी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के तीन चित्र बनाए थे शिवनाथ दीक्षा बिल्कुल सही आंसर सुनील कुमार हुसैन बिल्कुल सही विजेता यस yes, पिंकी बिल्कुल सही आंसर ब्रह्मा आपका भी सही अगला क्वेश्चन है उनसठ नंबर क्वेश्चन बताइए विषय वस्तु की दृष्टि से खजुराहो को, को कितने भागों में बांटा गया है बताइए विषय वस्तु की दृष्टि से खजुराहो को कितने भागों में बांटा गया है इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए उनसठ नंबर क्वेश्चन का आंसर तो विषय वस्तु की दृष्टि से खजुराहों को जितने भागों में बांटा गया है वो बांटा गया है आपको पांच भागों में थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तो खजुराहो को पांच भागों में विषय वस्तु की दृष्टि से बांटा गया है तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं साठ नंबर क्वेश्चन बताइए साठ नंबर क्वेश्चन का आंसर नंद लाल बशु को किस विश्वविद्यालय से उन्नीस सौ इक्यावन में डिलिट की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त हुई थी बताइए नंदलाल बोस को किस विश्वविद्यालय ने उन्नीस सौ इक्यानवे में डीलिट की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त प्रदान की थी बताइए उस विश्वविद्यालय का नाम तो वो था आपका बनारस विश्वविद्यालय सेकंड ऑप्शन आपका सही है तो बनारस विश्वविद्यालय ने उन्नीस सौ इक्यानवे में नंदलाल बोस को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है बनारस बनारस विश्वविद्यालय होगा साठ का बी सही है बनारस सब लोग साठ का ए बता रहे हैं साठ का बी होगा बनारस विश्वविद्यालय ने उन्नीस सौ इक्यानवे में नंदलाल बोस को डॉक्टर यानी कि जो आपके डिलीट के उपाधि होते है उससे सम्मानित किया था साठ का बी सही है ए नहीं सही है अगला क्वेश्चन है बताइए इकसठ नंबर क्वेश्चन है मूक ने 1905 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी तो इकसठ आंसर बता दीजिए मंग ने 1905 सौ ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी तो वो की थी सेतु फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है सेतु की स्थापना की थी 1950 बनारस में सर क्वेश्चन मिस्टेक है कोई नहीं पचास कर लीजिएगा यहां अगला क्वेश्चन है बासठ नंबर क्वेश्चन बताइए अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक थे बताइए कौन बासठ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इसका आंसर आपको बताना है अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक थे कौन जी सन मिस्टेक हाँ फिर भी आप लोगों ने सही आंसर बताया है यानी आपको पता था बताइए वादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक थे तो वे थे हमारे क्रोचे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन है चौंसठ नंबर क्वेश्चन सॉरी तिरसठ नंबर क्वेश्चन है एलोरा में कितनी गुफा मंदिरों का निर्माण किया बताइए एलोरा में कितनी गुफा मंदिरों का निर्माण किया बताइए तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप का, काट दीजिए चौंतीस कर लीजिए उनतालीस को हटा के चौंतीस कर लीजिए ऑप्शन गलत है यहाँ पर है चौंतीस कर लीजिए उनतालीस को काट कर चौंतीस कर दिया, आप बता दीजिए ऑप्शन गलत है आपके यहाँ पर है एलोरा में कितने गुफा मंदिर निर्माण है तो उनतालीस जगह मैंने चौंतीस कर दीजिए कर दिया है तिरसठ का क्वेश्चन मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया है उनतालीस का चौंतीस लिख दिया है चौंतीस गुफा मंदिर आप बता दीजिए आंसर तिरसठ का तो तिरसठ का सेकंड ऑप्शन सोचेगा चौंतीस गुफा मंदिर अगला क्वेश्चन देखते हैं चौंसठ नंबर क्वेश्चन बताइए अर्थुना के जैन व सह मंदिर कहाँ स्थित है बताइए जी कार्ड के मैंने ठीक कर दिया है चौंतीस होना चाहिए राजकुमार सही कर दिया मैंने ऑप्शन उनतालीस की जगह मैंने चौंतीस कर दिया था चौंतीस या छत्तीस जी प्रभात बताइए अर्थना के जैन व शय मंदिर कहाँ स्थित हैं ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था आयोग ने २०१६ में इस पर कॉमन नंबर मिले थे आंसर की में स्टार लगा हुआ है बताइए अर्थना के जैन व शै मंदिर कहाँ स्थित हैं चौंसठ नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना ये वासवाड़ा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पैंसठ नंबर क्वेश्चन बताइए व्यंग चित्रकार के रूप में किस कलाकार ने कार्य किया बताइए व्यंग चित्रकार के रूप में किस कलाकार ने कार्य शुरू किया था तो पैंसठ सही आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन ओ दो दोमिये ने किया था तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है पैंसठ का अगला क्वेश्चन देखते हैं छाछठ नंबर क्वेश्चन बताइए सालवाडोर डाली का जन्म कहाँ हुआ सेमनाथ बिल्कुल सही आंसर है सुनील आपका भी सही आंसर है पैंसठ का भी सभी लोगों को सही है छाछठ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में सालवा डो डाली का जन्म स्थान आपको बताना है सालवाडो डाली का जन्म कहाँ हुआ जल्दी से बताइए इसका आंसर तो तक सही आंसर आ जाएगा बार्सिलोना डी ऑप्शन आपका सही है बार्सिलोना में हुआ था अगला क्वेश्चन है सड़सठ नंबर क्वेश्चन बताइए किस कला समीक्षक ने बम्बई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा बताइए किस कला समीक्षक ने बम्बई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा था तो इसका सही आंसर जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन के साथ रूडी वन लेडन ने यह लिखा था तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं अड़सठ नंबर क्वेश्चन बताइए किसको फादर ऑफ एस्थेटिक अर्थात सौंदर्य जनक कहा जाता है बताइए बताइए किसको सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है तो अड़सठ का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर प्रभात यस शिवनाथ बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन देखते हैं उनहत्तर नंबर क्वेश्चन होता है खान मजदूर की कलाकृति सॉरी खान मजदूर किस कलाकार की कृति है बताइए उनहत्तर नंबर क्वेश्चन का आंसर खान मजदूर किस कलाकार की आकृति है तो खान मजदूर जिस कलाकार ने बनाई है वे हमारे हैं जिया फ्रांसवा मिले थर्ड ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं सत्तर नंबर क्वेश्चन बताइए सत्तर नंबर क्वेश्चन का आंसर प्लेटो ने किस सन में एथेंस में एकेडमी की स्थापना की जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है बताइए उनहत्तर का सी आंसर सही होगा बी नहीं होगा सी वाले सभी लोग सही हैं सुनील सुनीता प्रभात आप दो तीनों का सही आंसर है बताइए प्लेटो ने किस सन में एथेंस में एकेडमी की स्थापना की जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है बताइए उस सन का नाम नाम आपको बताना है तो सत्तर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सन तीन सौ सतासी ईसा पूर्व में प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी की स्थापना की थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है सत्तर का ए ऑप्शन आपका सही है प्रभात बिल्कुल सही आंसर आपने बताया अगला क्वेश्चन है इकहत्तर नंबर क्वेश्चन बताइए मन का वह भाग जिसमें मन की समस्त ज्ञान क्रियाएं विचरण करती हैं क्या कहलाता है बताइए इकहत्तर नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है इकहत्तर का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा तो इकहत्तर सही आंसर जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन चेतन मन कहलाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं बहत्तर नंबर क्वेश्चन बताइए खजुराहो का वरहा मंदिर कितने स्तंभों पर खड़ा है बताइए स्तंभों की संख्या आपको बतानी है जो आपका खजुराहों में मंदिर है वरहा मंदिर इसमें कितने स्तंभ इस बने हुए हैं इस मंदिर कितने स्तंभों पर खड़ा हुआ है बताइए बहत्तर का आंसर जल्दी से बताइए तो बहत्तर सही आंसर जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन चौदह पिलर है चौदह पिलर पर यह मंदिर खड़ा हुआ है वरहा मंदिर खजुराहों का तो बहत्तर का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौदह पिलर, पिलर चौदह स्तंभों पर यह मंदिर खड़ा हुआ है अगला क्वेश्चन देखते हैं तिहत्तर नंबर क्वेश्चन बताइए तिहत्तर नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बताइए चेतन जी सुनील कुमार आभान एरी से प्राप्त कुछ भवन एवं सजीव प्रतिमाएं किस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं बताइए हावा नेरी से प्राप्त कुछ भवन एवं सभी सजीव प्रतिमाएं किस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं तिहत्तर जल्दी से आंसर बता दीजिए तो तिहत्तर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आम्बे संग्रहालय में यह प्रतिमाएं रखी हुई हैं तिहत्तर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं चौहत्तर नंबर क्वेश्चन बताइए एक रास्ता को समाप्त कर कृति में आकर्षण उत्पन्न करना क्या कहलाता है बताइए एक रास्ता को समाप्त कर कृति में आकर्षण उत्पन्न करना क्या कहलाता है बताइए संतुलन सामंजस्य लय या प्रभाविता कहलाता है बताइए क्या कहलाता है तो ये कहलाता है आपका है प्रभाविता फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा चौहत्तर का डी ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं पचहत्तर नंबर क्वेश्चन बताइए पिछहत्तर नंबर क्वेश्चन का आंसर राहुल गुड आफ्टरनून अगला क्वेश्चन है टेनिस कोर्ट पर शपथ व नेपोलियन प्रथम का राज अभिषेक नामक चित्र किस चित्रकार का है बताइए तो टेनिस कोर्ट पर शपथ वन नेपोलियन प्रथम का राज अभिषेक नामक चित्र जिस चित्रकार का है वे हैं हमारे कौन वे हैं हमारे जॉक डेविड थर्ड ऑप्शन आपका सही है पचहत्तर का सी बिल्कुल सही आंसर सुनील कुमार प्रभावित है बिल्कुल सही और जॉक सुषमा सिंह ने लिखा है सही लिखा है आपने दीपा आपका भी सही है ज्योति आपका भी सही और छिहत्तर नंबर क्वेश्चन बताइए महाबलीपुरम मंदिर में किस राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा बताइए गोया नहीं होगा राहुल बताइए महाबलीपुरम मंदिर में किस राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा तो महाबलीपुरम मंदिर में जिस राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा था वह आपका था कौन जल्दी से बता दीजिए कौन सा राजवंश था तो वो राजवंश था आपका कौन महाबली तो पल्लव वंश फर्स्ट ऑप्शन आपका सही अगला क्वेश्चन है सतहत्तर नंबर क्वेश्चन बताइए माने ने विश्व मेले में किस वर्ष अपना एक स्वतंत्र चित्र मंडप लगाया था पल्लव वाले सभी लोग सही हैं और सतहत्तर नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बताइए सतहत्तर का आंसर अच्छा बताइए माने ने विश्व मेले में किस वर्ष अपना एक स्वतंत्र चित्र मंडप लगाया था तो वो वर्ष था आपका 1867 सिक्सटी सेवन ईस्वी में माने ने विश्व मेले में अपना एक स्वतंत्र चित्र मंडप लगाया था तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है सतहत्तर का अगला क्वेश्चन है अठहत्तर नंबर क्वेश्चन बताइए साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है बताइए साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है अठहत्तर नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको तो बताना है साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है तो अठहत्तर का सही आंसर जाएगा के के हैवर की है पेंटिंग है साइकिल रिक्शा और सतहत्तर का बी वाले सभी लोग सही हैं 1867 वाले सभी लोग सही हैं अठारह बिल्कुल सही राहुल और सुनील कुमार और दिल्ली से बताइए साइकिल रिक्शा की पेंटिंग है तो के के हैवर की है ये अभी बिल्कुल सही आंसर दीपा पांडे जी ने दिया है अगला क्वेश्चन है उन्यासी नंबर क्वेश्चन बताइए किसके अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है बताइए उन्यासी नंबर क्वेश्चन का आंसर किसके अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है वो कहा था रोजर फ्राई ने सेकंड ऑप्शन आपका सही है रोजर फ्राई के अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है सेकंड ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर अठहत्तर का सी किरण यादव आपका सही सुषमा आपने सही बताया है अगला क्वेश्चन देखते के के हैबर सुनील कुमार बिल्कुल सही आंसर है दीक्षा राजपूत क्या हुआ और अस्सी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बताइए मीनाक्षी मंदिर के आगे आयताकार पुष्पकरणी का माप निम्न में से निम्नलिखित है बताइए कितना अस्सी नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर के आगे आयताकार पुष्पकरणी का माप निम्न में से निम्नलिखित है कितना जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका तो मीनाक्षी मंदिर के आगे आयता का और पुष्प करने का माप है वो है आपका थर्ड ऑप्शन एक सौ पैंसठ और एक सौ बीस चौड़ाई ये सही आंसर है सी ऑप्शन आपका सही है क्या हो गया जी सर जी प्रभात यादव बताइए मीनाक्षी मंदिर के आगे आयता कार पुष्प करने का माप निम्न में से कौन सा है तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है एक सौ पैंसठ फीट लंबाई तथा एक सौ बीस फीट चौड़ाई ये इसका सही आंसर है सुषमा आपने सही बताया एक सौ पैंसठ फीट लंबाई बिल्कुल सही आंसर है एक सौ पैंसठ एक सौ बीस फीट चौड़ाई बिल्कुल सही प्रभात यादव अस्सी का सी बताने वाले सभी लोग सही हैं और इक्यासी नंबर क्वेश्चन देखते हैं बताइए किसके अनुसार सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है बाहर से नहीं बताइए किसने यह स्टेटमेंट दी थी कि सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है बाहर से नहीं तो यह कहा था आपके हचेशन ने फोर्थ ऑप्शन आप आपका यहाँ पर से हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं बयासी नंबर क्वेश्चन बताइए सिगमन फ्राइड का काल बताना है ये कब इनका जन्म हुआ था कब इनकी डेथ हुई थी सुनील का बिल्कुल सही बताइए सिगन फ्राइड का जन्मकाल जन्म और मृत्यु दोनों बतानी है तो बयासी सही आंसर जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन अट्ठारह में इनका जन्म हुआ था उन्नीस में इनकी डेथ हो गई थी अगला क्वेश्चन है सॉरी इक्यासी का नंबर है ना इक्यासी का डी सही है अठारह में इनका जन्म हुआ था उन्नीस में इनकी डेथ हो गई थी अगला क्वेश्चन देखते हैं इक्यासी का फोर्थ सही इक्यासी नंबर का फोर्थ कौन सा क्वेश्चन है तेरासी इक्यासी बयासी का सेकंड सही है सॉरी अट्ठारह सौ छप्पन से उन्नीस सौ उनतालीस ये सही है सही कर लीजिएगा ये सही है फोर्थ मैंने गलत बता दिया पहले सही बताया था अट्ठारह सौ छप्पन से उन्नीस सौ उनतालीस ईस्वी ये सही है अगला क्वेश्चन है तिरासी नंबर क्वेश्चन बताइए काली घाट की पट चित्र शैली को बाजार पेंटिंग्स कहा है किसने बताइए बताइए काली घाट की पट चित्र शैली को बाजार पेंटिंग्स कहा है किसने तो 83 थ्री से आंसर बता दीजिए तो वो जाएगा फोर्थ ऑप्शन डब्ल्यू जी ऑर्चर ने कहा है काली घाट की पट चित्र शैली को बाजार पेंटिंग जी देख लिया सेकंड सही है सेकंड सही है अट्ठारह से अठारह से उन्नीस इनका जन्म अठारह में इनका जन्म हुआ था उन्नीस में इनकी डेथ हो गई थी और उनतालीस का डी सही है तिरासी का डी सही है डब्ल्यू जी ऑर्चा और चौरासी नंबर क्वेश्चन बताइए ब्रह्मचारियों से विव, विवस्त्र की गई वधु किस कलाकार की कृति है बताइए ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधु किस कलाकार की कृति है बताइए चौरासी नंबर क्वेश्चन का आंसर तो वो जाएंगे आपके सेकंड ऑप्शन ध्वनिशा का चित्र है ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधु तो सेकंड ऑप्शन चौरासी का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा और 83 थ्री यानी तरासी का डी वाले सभी लोग सही साहब बिल्कुल सही आंसर है और बता दीजिए चौरासी नंबर क्वेश्चन का आंसर तो चौरासी का बी सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पिचासी नंबर क्वेश्चन बताइए किस वर्ष में खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया था बताइए किस वर्ष खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया था तो पिचासी सही आंसर जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन उन्नीस ईस्वी में छियासी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा कहलाता है बताइए ये तो सभी को पता होगा घनवाद का पहला चित्र तो घनवाद का जो पहला चित्र वो है अवनियों की स्त्रियाँ सेकंड ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन है सत्तासी नंबर क्वेश्चन बताइए क्रिटिक ऑफ जजमेंट में सौंदर्य की व्याख्या किसने की है बताइए तो सत्तासी सत्तासी का सेकंड ऑप्शन सही है कांट ने क्रिटिक ऑफ जजमेंट में सौंदर्य की व्याख्याएं कांट साहब ने की है सत्तासी का सेकंड ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं अट्ठासी नंबर क्वेश्चन पेरिस के ग्रांड सेलो में अमृता शेरवी कृति युवतियाँ किस वर्ष पुरस्कृत की हुई थी बताइए अट्ठासी नंबर क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर आपको बताना है पेरिस के ग्रांड सेलो में अमृता शेरगिल की कृति युवतियाँ किस वर्ष पुरस्कृत हुई थीं बताइए उस वर्ष का नाम कौन बिल्कुल सही सुनील कुमार दीक्षा बिल्कुल सही किरण बिल्कुल सही राज दीक्षा किरण सुनीता बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है अट्ठासी जल्दी से आंसर बता दीजिए तो 1932 में अट्ठासी का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं नवासी नंबर क्वेश्चन बताइए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है हटा देते हैं आपको कमेंट बताइए किसने कहा सौंदर्य मानव की गतिविधियों में निहित होता है वस्तुओं में नहीं व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति में बताइए यह किसने स्टेटमेंट दी है नवासी नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रोचे साहब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा क्रोचे महोदय ने कहा है कि सौंदर्य मानव की गतिविधियों में निहित होता है वस्तुओं में नहीं व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति में तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्रोचे साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं नब्बे नंबर क्वेश्चन बताइए दलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की प्रमुख बड़ी छत को क्या कहा जाता है बताइए बताइए इसका आंसर नब्बे नंबर का, का। दिलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की प्रमुख बड़ी छत को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है क्या जल्दी से बता दीजिए नब्बे का तो उसको कहा जाता है रंगमंडल का कटोरक थर्ड ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं इक्यानवे नंबर क्वेश्चन स्केच की विशेषता है क्या तो स्केच की जो विशेषता होती है वो होती है आपकी तीव्र प्रभाव पद्धति थर्ड ऑप्शन आपका सही है इक्यानवे का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्रोचे सुनील कुमार बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन देखते हैं बानवे नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है बताइए बिल्कुल सही आंसर नब्बे का थर्ड सही होगा सी ऑप्शन सही है शिवनाथ यश सुनील कुमार बिल्कुल सही आंसर और ये क्वेश्चन आपका है कौन से नंबर का बानवे नंबर का इसका आंसर आपको बताना है जब किसी चित्र में छाया प्रकाश और, प्रकासा और प्रकासा का निरूपण किया जाता है तो वह चित्र होता है कैसा बताइए बानवे का आंसर बताइए तो वह चित्र होता है त्रिआयामी सेकेंड ऑप्शन आपका सही है जब किसी चित्र में छाया प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह चित्र त्रिआयामी होता है सेकंड ऑप्शन आपका सही है और आज का तिरानवे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बताइए बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे बताइए बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे इक्यानवे का सी वाले सभी लोग सही हैं शिवनाथ आपका सही आंसर है और तिरानवे नंबर का आंसर है जल्दी से बता दीजिए क्या है बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे वे थे हमारे नंद लाल बोस सेकेंड थोड़ी थर्ड ऑप्शन आपका सही है नंद लाल बोस हो जाएंगे बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार तिरानवे का थर्ड ऑप्शन आपका सही यस yes, आपका सही आंसर है बानवे का बी वाले सभी लोग सही हैं शिवनाथ किरण राज सुषमा बिल्कुल सही आंसर और वर्म्भा आपका भी सही आंसर अविरल बिल्कुल सही आंसर है नंदलाल बोस सुनील कुमार बिल्कुल सही और आज का चौरानवे नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है बताइए इसका आंसर आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं किसके प्रति बताइए जो आपके मॉडर्न आर्टिस्ट हैं निम्नलिखित में से किसके प्रति बहुत ही सचेत हैं यानी कि जागरूक हैं बताइए मॉडर्न आर्टिस्ट आर वेरी मच अलर्ट अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग बताइए तान रेखा अनुपात या पोत बताइए इसका आंसर चौरानवे नंबर क्वेश्चन का आंसर तो पोत पर सबसे ज़्यादा वो अलर्ट रहते हैं चौरानवे का फोर्थ ऑप्शन तो आपका सही है अगला क्वेश्चन है पिचानवे नंबर क्वेश्चन बताइए एकांकी योजना है बताइए क्या पिचानवे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बताइए एकांकी वड़ योजना क्या है तो है नीला सॉरी थर्ड ऑप्शन आपका सही है पचानवे का नीला हल्का नीला और गहरा नीला ये आपका एकांकी वर्ण योजना है नीला हल्का नीला और गहरा नीला थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पिचानवे का थर्ड ऑप्शन सही है अगला क्वेश्चन है छियानवे नंबर क्वेश्चन बताइए नंद लाल बोस के शिष्य थे कौन आपको बताना है वाज नंदलाल बोस बताइए नंदलाल बोस के शिष्य थे कौन तो नंदलाल बोस के जो शिष्य थे वे थे हमारे बताइए जल्दी से आंसर छियानवे नंबर का जल्दी से आंसर बताइए तो वे थे हमारे अवरिंदनाथ टैगोर सेकेंड ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन है सत्तानवे नंबर क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र के के हैबर द्वारा चित्रित है चित्र बताइए अभिनी बाबू सुनील कुमार सही ब्रह्मा ये बता रहे हैं ये नहीं होगा अवनी होगा निम्नलिखित में से कौन सा चित्र के के हैबर द्वारा बनाया गया है तो वो बनाया गया आपका है मुर्गों की लड़ाई हैन फाइट जो आपके मुर्गों की लड़ाई है मुर्गों की लड़ाई है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है उल्टा क्या बताया मैंने यस yes. तो सत्तानवे का ए ऑप्शन सही है मुर्गों की लड़ाई अगला क्वेश्चन है अट्ठावी नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया बताइए प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया तो जो आपका प्रसिद्ध चित्र है ये बनाया आपका है एम एफ हुसैन सेकंड ऑप्शन आपका सही है और निन्यानवे नंबर क्वेश्चन है वह चित्रकार जो बम्बई के पैग समूह से नहीं है बताइए तो बता हंड्रेड के जल्द से आंसर बता दीजिए सॉरी निन्यानवे के जल्दी से आंसर बता दीजिए वह चित्रकार जो बम्बई के पैग समूह से नहीं है तो वो हमारे हैं एन एस बेंद्र ये बम्बई के पैग समूह से नहीं है हुसैन साहब बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन है हंड्रेड नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन महिषासुरवर्धनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है बताइए इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से बता दीजिए महिषासुरवर्धनी एलोरा की किस गुफा में चित्रित है महिषासुरवर्धनी अजंता सॉरी एलोरा की किस गुफा में चित्रित है तो जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा सोलह का सॉरी सोलह बता रहे बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन सोलहवीं गुफा तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं सौ क्वेश्चन ही रखते हैं इसके कल हम आगे क्वेश्चन करेंगे पचास इसके कल हम आगे क्वेश्चन करेंगे सोलहवीं गुफा में आपके जो चित्र देखने को मिलते हैं वो आपके रावणा अनुग्रह होता है उसमें देखने हृणा कश्यप का शिव पार्वती का विवाह भैरव प्रतिमा मार्कंडे का उद्धार शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा इंद्र इंद्राणी की मूर्तियाँ ये सभी सोलहवीं गुफा में है तो आज हम हंड्रेड क्वेश्चन ही रखते हैं क्योंकि आप लोग बहुत लेट हो जाता है बोर हो जाते हैं तो आज हम सोलह हंड्रेड क्वेश्चन ही रखते हैं किसी क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो पूछ लीजिएगा यस आपने क्या बताया था कि उल्टा क्यों बता रहे हैं बता दीजिए हमने क्या उल्टा बताया है बोलने में गलत हो गया होगा यस yes. नंद लाल बोस किसके शिष्य थे तो नंदलाल बोस अवन टेंगोर के शिष्य थे सेकेंड ऑप्शन सही है तो बोलने में उल्टा हो गया होगा लेकिन आंसर तो सही बताया आंसर गलत बताया होता तब होती बात थैंक यू यस ध्यान दिलाने के लिए नंद लाल बोस किसके शिष्य थे तो ये थे हमारे अविनाथ टैगोर के लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई होगी आंसर सही बताया जो लिखा तो वही मैंने बोल दिया था नंदलाल बोस किसके शिष्य थे तो ये अविनाथ टैगोर के थे तो आज ही हम हंड्रेड क्वेश्चन रखते हैं और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से पढ़ते रहिए तैयारी करते रहिए जी थैंक यू बताने के लिए यस और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ अच्छे से फेस्टिवल बनाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए फिर कल मिलते हैं आपके एक बजे एक बजे फिर आइएगा जिसमें हम फिर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं अरे कोई नहीं बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यस गलतियां आप लोग बताते रहिए इसमें हम सुधार करेंगे आपके सजेशंस और एडवाइस बहुत ज़रूरी हैं फिर कल मिलती हैं एक बजे आगे क्वेश्चंस को लेकर आप सभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए बहुत आपकी मेहरबानी रहेगी प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो डिजिटी कला की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए उनको बताइए चैनल और वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए और आप सभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को धनतेरस की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर कल मिलते हैं एक बजे एक बजे आप सब लोग आइएगा फिर हम अगले क्वेश्चन की तैयारी करेंगे आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टीजीटी स्तर का प्रश्न आए ठीक ले आएंगे